गदर का 1850 का लगा। ये देखे ना ये कलर तो हम अटक जाते हैं सीखने। आप चाय पी लेना तो मुझे जरा सा स्टफ, आप चाय पी लें तो मुझे स्टफ दिखाएं। ये नहीं मैं, ये मरीना, ये निकालो। ये होगा मेरा खाना, ये वाला 1800 का, ये वाला 7 का। जी हाँ, ये तो बहुत, ये 2000 वाला, 2500 वाला। ये 2500 वाला, 2500 वाले किधर लगे हुए? 2500 तो आप नहीं, आप किधर? यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे। आपको दिखाए ना जरा कपड़ा सारा सा दिखाएंगे आप। ये 600 रुपए गज है, 600 रुपए गज है। बच्ची छोटी का अगर बनाना हो, कितने साल की बच्ची है? 12 साल की तकरीबन। अभी भाई तो कितना लगेगा? 12 साल की बच्ची है, लहंगा बनाना। इसका कलर क्यों नहीं सही आ रहा? अच्छा ये बॉटल ग्रीन है ना, इस उस वाले ब्लैक वाले में जो बॉटल ग्रीन है वो भी दिखाओ ना, जरा रखो इसको इधर। उसमें बॉटल ग्रीन ही होगा। अच्छा ये वाला ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन। अच्छा इसके नीचे जो है ना लाइनिंग भी लगेगी ना। ये भी 600 रुपए का है। अच्छा ये बहुत सॉफ्ट है, इसमें लाइट कलर नहीं है ना, येलो थोड़ा सा। मरीना दिखाएंगे टी शर्ट पीछे 400 सब का। ये देखूंगा जी, ये देखो कितना पतला है मरीना, को कम से कम देते हैं पर आपको 1200 लग जाएगा। गाज का नहीं, इसका अरस कितना? ये साथ में ऊपर अरस लगा है, ऊपर से पिक्चर बनाने में ज्यादा अच्छी है। नहीं ऊपर से तो बना, दोनों शेड्स आ जाएंगे ना, इधर से एक शेड आएगा। ये बच्चे किस तरह गाज है, ये किस तरह गाज है? 600 रुपए गाज। इसमें और कलर्स नहीं है? बस 2-4 ही कलर है। वो दिखाओ कपड़ा, दिखाओ डार्क कलर सी है लाइट में। नहीं नहीं मुझे सिर्फ पहले वो चाहिए, देखना है स्टफ देखना। स्टफ देखना हाँ, दिखाए Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. आज जैसे ही मेरा ब्लॉग शुरू हुआ तो आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं किसी लोकल मार्केट में सर्दियों के कपड़े खरीदने के लिए गई हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोकल मार्केट कौन सी है। रावलपिंडी सदर में लाल कुर्ती बाजार के नाम से ये लोकल मार्केट है, जहाँ पे ब्रांड्स तो नहीं है लेकिन लोकल कपड़ा बहुत अच्छे स्टफ में, बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि बहुत मुनासिब रेट्स के ऊपर। यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो आपके साथ बहुत अच्छा बार्गेन करते हैं और आपको आपकी मर्जी के रेट्स पे कपड़ा दे देते हैं। और ये आज की बात नहीं है, हम अपने कॉलेज के ज़माने से भी इसी बाज़ार से लोकल शॉपिंग किया करते थे। तब तो खैर ब्रांड्स भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे सर्दियों में सर्दियों का स्टफ़ है, गर्मियों में गर्मियों का, चिकनकारी, अरेबिक लॉन लॉन सब मिलता है। और अब तो यहाँ पे शादी ब्याह की भी कुछ वैरायटी मौजूद है कि जो आपको वेलवेट भी है, शिफोन है, काम जिस पे करवाना होता है वो रॉ सिल्क वगैरह भी, फिर इस तरह शादी ब्याह के जितने भी कपड़े हैं, मूनलाइट स्टफ़ जो आजकल आया हुआ है शेडेड, वो भी सब है। मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, तो वो आप देखें और इन्जॉय कीजिए। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर जाके
कि जो फाइनली मैंने जो सूट ख़रीदे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देखते रहिए, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं काफ़ी सारे सूट आपको दिखा सकूँ, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत बुरा लगता है कि आप किसी शॉप पे सब कुछ खुलवा के रख दें और आप उसमें से एक आध जोड़ा ख़रीदें, इसलिए मैंने बहुत कम जोड़े खुलवाए हैं। आप ख़ुद विज़िट कीजिए और आप यकीनन देखेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट बहुत अच्छे रेट्स पे आपको कपड़ा देती है। ये खान, इस शॉल के साथ कोई प्रिंट मैच हो सकता है? ये किधर खान, क्या बात करता है बच्चे? वो तो वैसे तुम प्यारा बोल रहे हो। ये देखो उसका, ये देखो ये ग्रीन लग रहा है और ये जिंक लग रहा है। मुझे लग रहा था कि ये मैच कर रहा है, लेकिन नहीं कर रहा ना। ये तो बहुत ब्राइट सा हो गया है बड़ा। और इसके अलावा कोई देखें फिर मैं आपको निकाल लूंगा। ये देखिए, ये एक और शॉप है जहाँ पे मैं आई, मैंने पिछली शॉप से दो सूट खरीदे थे। अब ये मैं चादर अपनी शॉल है मेरी पश्मीना की, इसके साथ मैं सूट खरीदना चाह रही थी और मैं चाह रही थी कि कुछ प्रिंट में कुछ मिल जाए, छोटा छोटा प्रिंट हो तो ये शॉल के साथ मैच कर जाए। लेकिन मैंने बहुत सूट खुलवाए, मुझे प्रिंटेड सूट नहीं मिला। तो फिर खुद ही खान ने कह दिया कि मैं आपको करंडी में प्लेन सूट दे देता हूँ। मैंने कहा अगर मैचिंग है तो मुझे दे दो। फिर अभी आप देखिएगा कि बहुत अच्छा कलर मैच करके उसने मुझे दे दिया। लेकिन इस शॉप पे इतना अच्छा स्टाफ था, शॉप्स के स्पेसिफिक नाम नहीं है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, छोटा सा बाज़ार है आप, और शॉप्स इतनी करीब करीब हैं कि आपको अगर एक जगह से चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप दूसरी शॉप में चले जाइए, दूसरी जगह से पसंद नहीं आ रही है आप एक जगह अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और आराम से पूरे बाज़ार में घूमिए। तो मुझे इस शॉप पे बहुत अच्छे प्रिंट्स नज़र आए थे, दो सूट मैं पहले से ख़रीद चुकी थी तो फिर दो तीन मैंने यहाँ से खरीद, और कलर भी इतने फास्ट और कपड़े में फॉल इतना अच्छा, तो मुझे हर सूट पे मेरा दिल आ रहा था कि मैं ये भी ले लूँ। लेकिन ज़ाहिर है मैं कभी भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदती हूँ, यही बात सूटों पर जूतों पर बैग्स पे सब पे लागू होती है। तो बस चंद खरीद लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे तो फिर खरीद लेंगे। अब ये देखिए, मैं बहुत करीब से आपको दिखा रही हूँ, इस कदर खूबसूरत प्रिंट्स हैं, इस कदर खूबसूरत शेड्स हैं और कलर्स हैं कि हर एक पे दिल आ जाता है। हम थोड़ा येलो चाह रहे थे, लेकिन येलो में जितने शेड्स थे वो इतने ब्राइट थे के नज़र नहीं ठहरती थी, तो हम थोड़ा डल सा मस्टर्ड सा शेड ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत सारे येलो निकलवाए लेकिन चॉइस नहीं हो सकी, फिर नहीं खरीदे। ज़रा ब्राइट लग रहे थे, डल सा शेड कोई भी मिला नहीं, लेकिन प्रिंट्स येलो में भी प्रिंट्स बहुत खूबसूरत थे। बहुत चॉइसेस देखी लेकिन बात नहीं बनी। अब देखिए, कोई ऐसा कलर नहीं है जो यहाँ पे मौजूद ना हो, ब्लूज़ हैं, पिंक्स, ग्रेज, उसके बाद छोटा छोटा प्रिंट भी है, थोड़ा बड़ा बड़ा, ये देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा भी प्रिंट है, और बच्चों के पहनने वाला भी है, बूढ़ों के पहनने वाला, बुज़ुर्गों के पहनने वाला भी है। कपड़ा बहुत अच्छा है, तो प्रिंट आप अपनी मर्ज़ी से, कलर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। प्लेन शॉल आप इसके साथ मैच कर सकते हैं। बार दफ़ा यही होता है कि मेरी तरह शॉलें किसी के पास होती हैं, स्कार्फ होते हैं, आप वो लेके यहाँ पे आ जाइए, आपको आराम से मैचिंग हो जाएगी। गर्मियों का अगर कोई दुपट्टा आपके पास पड़ा है और आप चाह रहे हैं कि उसके साथ नया सूट बना लें, तो गर्मियों का स्टफ़ यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। जो लोग तो पिंडी में रहते हैं वो तो शायद इस बाज़ार के वाकिफ़ होंगे, और अगर नहीं वाकिफ़ तो मेरे इस व्लॉग के बाद आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि सीज़न के दौरान एक आध दिन आप यहाँ पे चक्कर लगाइए, आपको यकीनन यहाँ के रेट्स देख के बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पे शॉपिंग करके बहुत मज़ा आएगा।
नहीं कितने का सूट है? मेरे वैसे 6 का 5500 कस्टमर को बताते हैं, आपको 45 का लगाऊंगा। प्रिंटेड शर्ट तरफ करके ये गली मिल जाएगी। हाँ यही मैं देख रही हूँ, मुझे किसी ने बताया ये लगी है। शिफॉन लगी है, जॉर्जेट भी है आपके पास? ये जॉर्जेट है ना, जिसको जॉर्जेट ही बोलते हैं। अच्छा मरीना तो मैंने ख़रीद लिया, एक आध मैंने लिलन का सूट भी मुझे चाहिए था, वो भी मैंने ले लिया। अब मुझे चाहिए थी शिफॉन, और मुझे यकीन था कि सर्दियों का सीज़न है, यहाँ पे शिफॉन जॉर्जेट मुझे नहीं मिलेगी। फिर भी मैं पूछते पूछते आ गई, तो एक दो शॉप्स पे मुझे बहुत अच्छी शिफॉन मिली। बस प्रिंट का मसला आ रहा था, बेसिकली मुझे करना ये था कि आई एम सॉरी, आजकल मेरा गला ख़राब है तो मुझे बोलने से गले में खुश्की आ जाती है और फिर मुझे खांसी होनी शुरू हो जाती है, इसके लिए मैंने स्टॉप लिया था। ये शिफॉन के इस शॉप पे बहुत अच्छे प्रिंट्स थे, तो करना मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अमूमन प्रिंटेड शिफॉन्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरीज करवाती हूँ, खुद भी पहनती हूँ, अपनी बेटी के लिए भी बना पाती हूँ। अब उसने फरमाइश की थी कि मुझे कम अज़ कम एक दो मैक्सीज बनवा दें जिसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करवाएं। उसके लिए मैंने प्लेन कपड़ा कभी भी पसंद नहीं किया, ये देखिए मुझे ये पसंद आया था, छोटा छोटा प्रिंट है, इसके ऊपर कढ़ाई बहुत अच्छी लगी। यही है, इसके अलावा और नहीं होगा, आगे देख लेते हैं। ये भी स्ट्रोलर है, कितने का एक है? अब ये देखिए कि जो कपड़े हमने फिर ख़रीदे थे उसके साथ मैंने सोचा कि साथ ही हम स्ट्रॉलर्स ले लेते हैं, क्योंकि बाद में मैचिंग करनी बड़ी मुश्किल होती है, तो ये इतना बड़ा बाज़ार है कि आपको मैचिंग आराम से मिल जाती है। हमें तो बल्कि चॉइस करना मुश्किल हो रहा था, इतनी अच्छी मैचिंग थी। ये है कि स्कार्फ्स तकरीबन सारे गर्म थे, मुझे दो एक दो लॉन के भी चाहिए थे, लेकिन वो चूँकि ये लोग स्टॉक उठा चुके हुए हैं और स्टोर में उन्होंने रख दिए हैं, तो फिर मुझे गर्मियों का स्टाफ नहीं मिला। लेकिन ये बहुत पश्मीना के बहुत खूबसूरत स्टॉलर्स थे। अब हम वापसी के लिए घर जा रहे थे, तो गाड़ी तक जाते जाते मुझे रास्ते में ये फूलों की शॉप्स इतनी पसंद आई, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। यहाँ से हम अपने घरों में कोई फंक्शन होता है, कुछ इवेंट होते हैं, तो डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ आती हूँ और यहाँ से डेकोरेशन का सामान लेके जाती हूँ। ये इम्पोर्टेड फ्लावर्स थे और मैंने रेट्स भी पता किए, लेकिन चूंकि ख़रीदने नहीं थे तो बस देखे, दिल खुश किया, थोड़ी सी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए और बस फिर हम घर आ गए। अब ये मेरे निटिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो मैंने वो उठाए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम फाइनली कपड़े लेके आए। ये मरीने का सूट है और इसके ऊपर ये हमने स्कार्फ लिया था। अब ये सूट अभी श्रिंक करने हैं, फिर टेलर को देंगे, फिर वो 15-20 दिन लगाएगा, शायद इससे भी ज़्यादा लगाएगा, तो मे बी दिसंबर के एंड में या जनवरी में हमें ये कपड़े मिले। ये लिलन का सूट है, मैं इसको थोड़ा फैंसी बनाना चाह रही हूँ, इसके ऊपर गोटे और इस तरह से लगा के मैं अपनी, असल में अपनी ग्रैंड डॉटर, अपनी नवासी के लिए सूट लिया। एक ये मरीने का सूट है, इसके साथ भी हमें स्कार्फ आराम से मिल गया था, बहुत अच्छी मैचिंग हुई है, और ये वाला सूट घर में सबको बहुत पसंद, बहुत ही पसंद आया, बहुत फ्रेश शॉकिंग पिंक कलर। ये वुलन सूट है, ये वो करंडी का सूट है जो मेरी शॉल के साथ मैच हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा कलर शायद आपको डिफरेंट लगेगा, बड़ा प्यारा जिंक शेड है ये। अब ये जो शॉल के ऊपर प्रिंट है, इस कलर का मैं कुछ सूट के ऊपर लगा के तो इसको फिनिश करवा। अब ये वो शिफॉन, जॉर्जेट शिफॉन का सूट है जिसपे मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई। ये एक स्कार्फ मैंने लिया था, ये किसी के साथ मैचिंग नहीं है, लेकिन ये जो स्वेटर मैं अपना बना रही हूँ, शायद आपने वो मेरा व्लॉग देखा हो कि मेरी ऑस्ट्रेलिया से मेरी बेटी ने मुझे भेजी थी मेरे अपने स्वेटर के लिए, तो वो मैं बना रही हूँ। तो ये इसमें वही शेड्स थे, ग्रे और डीप पिंक, तो फिर ये स्कार्फ के लिए मैंने लिया। आई होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो, माय व्लॉग इन फैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।